डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा मैं यहाँ स्टेज पे आ रहा था और मुझे शरद यादव जी की याद आई और दुख हुआ। खुशी का दिन है, मैं आपसे मिला, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, मगर दिल में दुख भी है। शरद यादव जी बीमार है और वो आज यहां नहीं है। आपका शरद यादव जी की हिस्ट्री, उनकी राजनीति गरीबों की राजनीति, और पहले शरद यादव जी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हुई। कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में, 3-4 साल पहले आंध्र प्रदेश में एक प्रोग्राम हुआ और उसमें मैं भी गया और शरद यादव जी भी गए और पहली बार हम आंध्र गए और शरद यादव जी का मैंने भाषण सुना, पहली बार मैं स्टेज पर मिला। और फिर जब हम वापस जा रहे थे मैंने देखा कि काफी भीड़ थी, धक्का धक्का मुक्की चल रही थी, तो मैंने देखा कि शरद यादव जी खड़े थे। तो मैंने शरद यादव जी से कहा कि आप मेरे साथ चलिए और मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठा दिया। और 2 घंटे का रास्ता था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 घंटे में जो यादव शरद यादव जी ने मुझे सिखाया हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, शायद उससे ज्यादा किसी ने नहीं। और आज मैंने उनकी बेटी से कहा, आपने देखा होगा कि मैं स्टेज पे उनसे बात कर रहा था, आज मैंने उनकी बेटी से कहा, देखो तुम्हारे जो पिता आज अस्पताल में है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, एक प्रकार से हमारे इतिहास में वो मेरे गुरु हैं। और अगर वो मेरे गुरु हैं तो तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। तो ये अब मैं आपसे, मैंने ये किसी और से नहीं पूछा है, मैंने ये बात बिहार के चुनाव में किसी और भाषण में नहीं कही जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। मैं आपसे गारंटी चाहता हूं कि शरद जी की बेटी को आप चुनाव जिताओगे। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए और शरद यादव जी जो आपके नेता हैं उनके लिए कह रहा हूं। आपने इतना मुझे प्यार दिया, इतने दूर दूर से आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।